आज कहानी ऐसे सम्राट की सुनाएंगे जो जब 18 साल का था तो बोल दिया था कि यूनान, मिस्र, रोम से लेकर पूरी दुनिया जीत कर दिखाऊंगा। जो जब 25 साल का हुआ तो आधी दुनिया के सम्राट उसकी कस्में खाया करते थे। लेकिन 32 की उम्र का होते होते विश्व गुरु देश भारतवर्ष से उसे वापस लौटना पड़ा और एक मनहूसियत की सुबह भी आई जब उसकी मृत्यु हो गई। दुनिया के इतिहास में लोग उसे अलेक्जेंडर द ग्रेट यानी सिकंदर महान के नाम से जानते हैं। दुनिया के इतिहास पर परखी नज़र रखने वाले लोग कहते हैं कि सिकंदर जब 12-13 साल के थे तभी उन्होंने एक जंगली घोड़े को कब्जे में कर लिया था। उन्होंने उस घोड़े का नाम ब्यूसिफेलस रखा, जिसने फिर कभी उस बच्चे का साथ नहीं छोड़ा। बचपन से ही वो ऐसी अद्वितीय शक्तियों से लबरेज थे कि लोगों को अंदाज़ा हो चुका था कि ये इतिहास में दर्ज होने के लिए नहीं बल्कि इतिहास को बदलने के लिए पैदा हुआ है। वक्त था 356 ईसा पूर्व। जगह थी उत्तरी यूनान से बलकान के बीच का इलाका, जिसे मैसेडोनिया के नाम से जाना जाता था। इसी जगह सिकंदर का जन्म होता है, लेकिन उनका बचपन एक आम बच्चे की तरह नहीं था। सिकंदर के जन्म से पहले मैसेडोनिया कोई नामी जगह नहीं थी, ना ही वहाँ कोई रियासत था और ना ही कोई साम्राज्य हुआ करता था। हालांकि सिकंदर के पिता फिलिप द्वितीय ने उसे साम्राज्य बनाने की कोशिश जरूर की थी। फिलिप द्वितीय की कई पत्नियाँ थीं, जिसमें से सिकंदर की माँ ओलंपियस उनकी चौथी पत्नी थी। लेकिन सिकंदर के रूप में उत्तराधिकारी देने की वजह से उनका मान बाकी सभी पत्नियों से ज़्यादा था। कूटनीतिक संघर्षों की वजह से सिकंदर के पिता की हत्या कर दी गई और इसी के बाद अस्थि सिंहासन कार की लड़ाई भी शुरू हुई। इस लड़ाई में सभी विरोधियों को धो चटाने के बाद 20 वर्ष की आयु में सिकंदर ने महाराजा की गद्दी स्वीकार की और 12 वर्षों तक राज किया। उन्होंने अपनी सनक को पूरा करने के लिए अपने सैनिकों के साथ 12,000 मील की विजय यात्रा की, जिसे स्वर्णिम यात्रा भी कहा जाता है। तब फारस एक बड़ा साम्राज्य हुआ करता था, जहाँ के राजा डेरियस त्रेडी को यह घमंड था कि उन्हें कोई भी पराजित नहीं कर सकता। लेकिन सिकंदर ने अपनी सेना के साथ मिलकर ग्रीस के सदियों पुराने दुश्मन फारस को मात्र 24 घंटे के अंदर ही धूल चटा दी थी। यही वो दौर था जब सिकंदर आगे चलकर सिकंदर महान बना। इसी युग को उनका स्वर्णिम युग भी कहा जाता है। इस दौर में क्या पूर्व, क्या पश्चिम, क्या यूनान और क्या मिस्र, सभी किसी मजाक से कम नज़र नहीं आ रहे थे। आज के पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान, मिस्र और यूनान तक ने सिकंदर की गुलामी को स्वीकार कर लिया था। यही वजह है कि जब आज दुनिया के सबसे महान सैन्य कमांडरों की बात की जाती है तो उसमें सिकंदर महान का जिक्र जरूर किया जाता है। इतिहासकारों का कहना है कि बचपन से ही सिकंदर पढ़ाई में बहुत अच्छे थे। उनकी शिक्षा दीक्षा की गुणवत्ता भी बहुत अच्छी थी। उन्हें अरस्तो जैसे महान दार्शनिक से शिक्षा लेने का सौभाग्य भी मिला था। सिकंदर के पूरे व्यक्तित्व में अरस्तो की छवि झलका करती थी। एक बार अपनी सेना से बात करते हुए सिकंदर ने खुद ही कहा था कि उनके जीवन को अरस्तो की सुनाई एक कहानी ने बदल दिया है। अगर उन्होंने इस कहानी को नहीं सुना होता तो शायद वो इतने कुशल योद्धा नहीं बन पाते। अरस्तो ने सिकंदर को ट्रॉय के युद्ध की कहानी सुनाई थी, जिसे ग्रीक कवि होमर ने अपने महाकाव्य इलियड में शामिल किया है। वो कहानी इंसानी जज्बातों से भरी थी, जिसमें इश्क से लेकर युद्ध तक की बातों को बताया गया था, जिससे सिकंदर जैसे महान योद्धा को बहुत कुछ सीखने को मिला। यूनानी इतिहासकारों ने बताया है कि होमर की कविता इलियड सिकंदर को बहुत पसंद थी। प्रत्येक युद्ध के दौरान सिकंदर उन कविताओं को अपने तकिया के नीचे रखा करते थे। सिकंदर योद्धा तो बन सकते थे, लेकिन उन्हें महान उनके गुरु अरस्तो नहीं बनाया था। यही वजह है कि सिकंदर भी खुद को अरस्तो की परछाई ही कहा करते थे। इतिहासकार रेचल मार्शल ने अपने कई जर्नल्स में कहा है कि अरस्तो ने ही एक अक्खड़ यूनानी लड़के को बेमिसाल शासक में बदला था। इस बात को प्रमाणित भी एक घटना करती है। एक बार सिकंदर यूनान के कारिंथ शहर के दार्शनिक डायोजनीस से मिलने गए थे। सिकंदर को उनसे कुछ खास काम नहीं था, बस ऐसे ही उन्हें उनके कामों के लिए शुभकामनाएं देना चाहते थे। लेकिन डायोजनीस ने बड़ी बदतमीजी से सिकंदर से कहा कि सामने से हट जाओ, क्योंकि तुम्हारी वजह से सूरज की रोशनी मुझ तक नहीं आ रही है। आधी दुनिया के राजाओं को जमीन के अंदर गाड़ देने वाले का इस बात को सहन कर लेना ही अरस्तो की शिक्षा का परिणाम था। सिकंदर के पिता फिलिप द्वितीय ने कई शादियाँ की थी। उनकी नई पत्नी का नाम क्लियोपेट्रा था, जिन्होंने सिकंदर और उनकी माँ के लिए मुश्किलें पैदा कर दी थी। इस मामले में इतिहासकार डायना स्पेंसर कहती हैं कि सिकंदर और उनकी माँ को यह लगने लगा था कि वो पूरी तरह से मैसेडोनिया का खून नहीं है। उन दोनों को अंदर ही अंदर ये बात परेशान कर रही थी। उन्हें लग रहा था कि अगर क्लियोपेट्रा ने नए उत्तराधिकारी को पैदा कर दिया तो सिकंदर के लिए राजगद्दी पर बैठना मुश्किल हो जाएगा। क्लियोपेट्रा सिकंदर के राजा बनने के रास्ते में एक बड़ी रुकावट की तरह थी। काफ़ी उठा पटक के बाद एक घटना घटी, जिससे सिकंदर के सिंहासन पर बैठना आसान हो गया। सिकंदर के सौतेली बहन की शादी थी, जिसमें एक गार्ड ने राजा फिलिप द्वितीय की हत्या कर दी और इस बीच उस गार्ड को भी मार दिया गया। उस समय यह गुत्थी सूरज नहीं पाई कि हत्या किसने करवाई थी। सीधा फायदा सिकंदर को हो रहा था,
इसलिए कई इतिहासकारों का मानना है कि फिलिप द्वितीय की हत्या के पीछे सिकंदर और उनकी माँ का हाथ हो सकता है। इसके बाद सिकंदर ने अपने सभी सौतेले भाई बहनों को मार दिया था जो कि उनके सिंहासन के बीच में आने वाले थे। सिंहासन पर बैठने के बाद सिकंदर की नज़र इतिहास के सुपर पावर फारस साम्राज्य पर गई। फारस साम्राज्य की सीमा भारतवर्ष से लेकर मिस्र और उत्तरी यूनान की सीमा तक को छूती थी, लेकिन इतने विशाल साम्राज्य को भी सिकंदर ने जीत ही लिया था। इसी तरह सिकंदर का कारवा बढ़ता जा रहा था और छोटे छोटे राज्य उसकी गिरफ्त में आते जा रहे थे। रोमन इतिहासकार ने सिकंदर के बारे में लिखा है कि सिकंदर को शराब की लत थी। एक बार तो उसने नशे में अपने करीबी दोस्त को ही जान से मार दिया था। उस दोस्त का नाम क्लेटियस था। ये उनके और उनके परिवार के बहुत करीब था। रोमन इतिहासकारों ने सिकंदर को सनकी शासक बताते हुए उनके कई किस्सों का जिक्र किया है। दोस्तों, अगर आप सिकंदर के बारे में डिटेल से जानना चाहते हैं कि कैसे मैसेडोनिया जैसे छोटे से राज्य का राजकुमार पूरी दुनिया जीतने का स्वप्न लेकर बड़ा हुआ, और सिकंदर की माँ व उसके गुरु अरस्तू का सिकंदर को विश्व विजेता बनाने में क्या योगदान था, तो करीब करीब आधी दुनिया सिकंदर के सामने नतमस्तक हो चुकी थी। तब विश्व पटल पर एक ऐसा देश था जहाँ उसे कड़ी चुनौती मिलने वाली थी। ये देश कोई और नहीं बल्कि भारतवर्ष था, और सिकंदर को यहाँ से लौटाने के लिए पोरस जैसे वीर सम्राट और आचार्य चाणक्य जैसे विद्वान मौजूद थे। लेकिन सवाल ये था कि आखिर सिकंदर भारत क्यों आना चाहता था। इसके जवाब में यूनानी इतिहासकार पॉल कार्टिलेज कहते हैं कि इसके पीछे कई वजह थी। सिकंदर दुनिया को बताना चाहता था कि वो अपने पिता से बहुत आगे आ चुका है। उसके पिता भारत तक आना चाहते थे। सिकंदर बताना चाहता था कि उसके राज्य की सीमाएं वहां तक पहुंच चुकी हैं जहां तक उसके पिता फिलिप द्वितीय नहीं पहुंच सके थे। कई इतिहासकारों का मानना है कि सिकंदर को अपने ऊपर घमंड हो चुका था। उसे ऐसा लगने लगा था कि वो सभी साम्राज्यों की तरह भारत को भी आसानी से जीत लेगा, लेकिन ऐसा ना हो सका। सिकंदर भारत पर विजय प्राप्त करना चाहता था, लेकिन यहाँ पोरस जैसे वीर योद्धाओं ने उसके सामने कड़ी से कड़ी चुनौती पेश की, जिसकी वजह से उसकी सेनाओं को काफ़ी नुकसान पहुँचा। स्थानीय लोगों के विरोध के साथ साथ सिकंदर को अपनी सेना के भीतर से भी विरोध का सामना करना पड़ रहा था। उसकी सेना थक चुकी थी, वो जवाब दे रही थी। मध्य एशिया में सिकंदर की सेना ने 3 साल से भी ज़्यादा का वक्त बिताया था। अब उनकी हिम्मत जवाब देने लगी थी। भारत में युद्ध के बीच से ही सिकंदर की सेना ने पीछे मुड़ने का फैसला कर लिया था। तभी एक ऐसी घटना घटी कि सेना में हड़कंप मच गया। अब उसे अफवाह कहा जाए या कूटनीतिक तकनीकी, लेकिन वो तकनीकी काफ़ी कारगर साबित हुई थी। दरअसल एक अफवाह उड़ी कि युद्ध के बीच सिकंदर की मौत हो गई है। इस अफवाह के बाद ही मध्य एशिया में मौजूद सिकंदर सेना घबरा गई और भागने की फिराक में आने लगी। हालांकि युद्ध में भारतीय सैनिकों ने सिकंदर और उसकी सेना की हालत ख़राब कर दी थी। ये भी सत्य था कि सिकंदर मरा तो नहीं था, लेकिन मरने के करीब पहुंच गया था। वो बहुत बुरी तरह से घायल हो गया था। अगर उसकी सेना पीछे नहीं हटती तो इस भूमि में ही सिकंदर की मौत भी हो जाती। इतिहासकार रिचल मेयर्स का कहना है कि भारत से सिकंदर के वापस लौटने के 3 बड़े कारण थे। उसकी अपनी सेना के अंदर विरोध शुरू हो गया था, इलाके मुश्किल और मौसम कठिन था, और खुद सिकंदर बुरी तरह से घायल हो गया था। कुछ इतिहासकारों का तो यह भी मानना है कि सिकंदर भारत को जीतने के बाद अरब पर हमला करने वाला था, लेकिन उसकी इस ख्वाहिश ने भारत में ही आकर दम तोड़ दिया था। इसलिए भारतवर्ष दुनिया से कहता है कि हमने लौटाए सिकंदर, सर झुकाए मात खाए। फारस साम्राज्य पर कब्जा किया, सेना को लेकर पूर्व की तरफ बढ़ा, भारत तक पहुंचा और मात खाया, वतन वापसी का फैसला किया। लेकिन मैसेडोनिया वापसी सिकंदर के किस्मत में ना थी। समय अपनी रफ्तार से भाग रहा था। सन 323 ईसा पूर्व का समय भी आया। वर्तमान के इराक और तब के बेबीलोन इलाके में पहुंचने के बाद अचानक एक सुबह सिकंदर की मौत हो गई। कहा जाता है कि बुरी तरह से घायल होने के बाद सिकंदर कभी भी पूरी तरह से ठीक नहीं हो पाया था। उसे किसी रहस्यमय बीमारी ने अपनी गिरफ्त में ले लिया था, और उसी की वजह से उसकी मृत्यु भी हुई थी। सिकंदर के मौत के पीछे भी कई तरह की थ्योरी चला करती हैं। कई इतिहासकार कहते हैं कि मौत का कारण उनके घावों में होने वाला इन्फेक्शन था, और कुछ का कहना है कि उनकी मृत्यु मलेरिया की वजह से हुई थी। कई लोगों का ऐसा भी कहना है कि भारत से खाली हाथ लौटना सिकंदर कभी भूल ही नहीं सका, जिसकी वजह से वो आत्मग्लानी से भी मर रहा था। कुछ भी हुआ हो, लेकिन सिकंदर एक वीर योद्धा था, और ऐसे योद्धा शताब्दियों में भी नहीं पैदा होते। शायद सिकंदर महान को भी एहसास हो गया होगा कि अब उसके पास ज़्यादा समय नहीं है। भारत में मिले घाव उसके जहन और उसके शरीर को ख़त्म कर रहे थे। अपने अंतिम दिनों में सिकंदर ने अपनी सेना से कहा कि जब मेरी मौत हो जाए तो मेरी अंतिम यात्रा के समय मेरे दोनों हाथ खुले रखना, जिससे भविष्य में लोगों को पता चल सके कि विश्व विजेता सिकंदर भी खाली हाथ ही लौटा था। यानी लोगों को पता होना चाहिए कि साथ में बस अच्छे कर्म जाते हैं, बाकी कोई कुछ लेकर नहीं जा सकता। इस कहानी से सीख लेने के लिए हमें कुमार विश्वास की एक पंक्ति भी याद रखनी चाहिए कि मैं सिकंदर हूँ,
और एक दिन मुझे खाली हाथ ही जाना है। जिंदगी में अच्छे कर्म करिए, खुद के ऊपर भरोसा रखिए और लालच से दूर रहिए। किसी के भी साथ बस उसके कर्म जाते हैं, बाकी कुछ भी नहीं। इसलिए हमेशा दूसरों की मदद करते रहिए। ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।